तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो AIG हॉस्पिटल के नाम से थंबनेल देखकर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया होगा, या फिर हो सकता है कि आपके पास अचानक से आ गया और आपने क्लिक करके देख लिया। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर आपसे रहता है कि आपको ये वीडियो और आप देख रहे हो, तो थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ समझो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के या फिर अभी या फिर कभी ना कभी आपको काम जरूर आएगी। पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी मेडिकल प्रॉब्लम से परेशान है, उनको कोई प्रॉब्लम है, वो लोग इलाज करा करा के थक चुके हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं अब हम क्या करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी सिचुएशन होती है कि जो लोग इलाज करा के थक जाते हैं तब जाके वो सोचते हैं इंटरनेट पे आते हैं और वहाँ पे ढूंढते हैं अपने इलाज का तरीका या फिर कोई अच्छा हॉस्पिटल। तो ऐसे कंडीशन में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जिस हॉस्पिटल के बारे में बताने वाला हूँ बहुत अच्छा है, वहाँ सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, ये तो मैं 100% नहीं बताने वाला हूँ। बट मोस्टली चांस है कि आपका काम यहाँ से हो सकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि बहुत सारे लोग हैं कि कहीं उनका कोई दवा सूट कर जाता है, बहुत सारे लोग कहीं का दवा कहीं सूट कर जाता है, कई लोग बड़े लेवल पे जाकर ठीक नहीं हो पाते, छोटे पे ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई लोग ये वीडियो इंटरनेट पे लोग आकर ढूंढते तभी है जब हर जगह से थक जाते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगा और अगर आप लोग वहाँ ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो जाके करा सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने अभी तक देखा है कि मतलब मेडिकल फैसिलिटी में दिल्ली का एम्स जो हॉस्पिटल है काफ़ी बेस्ट है, उसके बाद ही कोई हॉस्पिटल मुझे लगता है कि कहीं होगा। बट एम्स में आपका इलाज कराने के लिए और एम्स में आपको कोई भी ट्रीटमेंट के लिए इतना आसान नहीं है, वहाँ इतनी ज़्यादा वो रहती है कि आप लोग ट्रीटमेंट जाके वहाँ सीट ही नहीं मिलता है, खाली ही नहीं रहता है, तो आप कराओ कैसे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपने ये भी सुना होगा कि दिल्ली में, ये तो दिल्ली में है एम्स, दूसरा चीज़ मुंबई में आपका एक कैंसर का कोई डिजीज़ है जिसको टेस्टिंग के लिए मुंबई लैब भेजा जाता है, वो सिर्फ पूरे इंडिया में मुंबई में ही है, वहाँ जाता है और वहाँ से टेस्ट होके आता है। तो आप सोचोगे मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, मतलब मुंबई में ये टेस्ट सिर्फ हो रहा था, मुंबई में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। दिल्ली में है दिल्ली में भी होंगे, ऐसा नहीं है, हर जगह अपने अपने लेवल पर ठीक है। लेकिन अगर आप लोग हैदराबाद के आसपास में रहते हैं तो हैदराबाद में काफ़ी बेहतरीन हॉस्पिटल है मेरे हिसाब से, और दो तीन चीज़ें मुझे अच्छी लगी, मैं अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ। बाकी आप लोग हर जगह इलाज करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो हैदराबाद में भी जाकर ठीक नहीं हो पाए हैं, बाकी जगह के ठीक हो, कई लोग हमारे रायपुर में जाकर ठीक हो गए, जो एक हॉस्पिटल है बड़ा सा मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहाँ मिलिट्री लोगों का ज़्यादा अच्छा इलाज होता है और आम लोगों के लिए भी ऐसा नहीं है, तो चलता है, रामकृष्ण कुछ ऐसा नाम है, वहाँ भी जाके इलाज करा के कई लोग ठीक हो गए हैं, हैदराबाद में ही हुआ, तो ऐसा भी होता है। हैदराबाद में बहुत सारे फेमस हॉस्पिटल हैं, यशोदा है, अपोलो है, AIG है, इसके अलावा हार्ट का एक हॉस्पिटल है बहुत अच्छा, और वहाँ पे हर हॉस्पिटल की अपनी एक कहानी है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम किस से रिलेटेड है आप वो चीज़ सबसे मायने रखता है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हमारा हार्ट का प्रॉब्लम, और हर हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, जैसे यशोदा है तो वहाँ भी हर तरह का इलाज होता है, अपोलो में भी हर प्रॉब्लम का इलाज होता है, AIG में भी हर तरह का प्रॉब्लम का इलाज होता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एकदम सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटी है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ के वहाँ इलाज सिर्फ फिल्म स्टार बड़े बड़े लोग कराते होंगे, बट वहाँ छोटे मोटे भी लोग जाके इलाज कराते हैं। और पैसे की बात अगर करें तो मिनिमम फीस जो आप अपने एरिया में दे रहे हो, आपके एरिया में अच्छे डॉक्टर की फ़ीस कितनी होगी, 400 500 हज़ार रुपये कई लोग की हो जाती है, वहाँ पे भी वही है, हज़ार तो किसी के नहीं है, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के 600, थोड़ा उससे नीचे है तो 400 रुपये फीस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, AIG से लेके चाहे अपोलो हो चाहे आपका यशोदा हो, हमारे पास से दो तीन लोग गए हैं यशोदा में ट्रीटमेंट कराएं, वहाँ भी काफ़ी अच्छा उनको फैसिलिटी लगा, और आपका AIG में भी फैसिलिटी अच्छा लगा। अगर आप लोग प्रॉब्लम में हो और आप लोग चाहते हो इलाज कराना कहीं जा करके, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको सहूलियत हो जाएगा आप इलाज कराने जाने में। पहली चीज़ तो ये कि आप लोग सोचते हो कैसे जाएं, कहां से जाएं, क्या करना पड़ेगा, वहां रूम कैसे लेना है, कैसे इलाज होता है, बहुत सारी डाउट आपके मन में होगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ कि अगर आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो उसका लोकेशन आपको गूगल पे मिल जाएगा, आजकल दुनिया डिजिटल हो गई है, आसानी से देख सकते हो, गूगल पे जाके लोकेशन देख लो, वो हैदराबाद के किस सिटी में है, कहाँ पे है, आपको वहाँ ऐसा नहीं है बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ किसी भी ऑटो वाला बोल दो वो कहीं से भी आपको जाके छोड़ देगा उस हॉस्पिटल में, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप अपने एरिया कहाँ है, आप किस एरिया में हो ये पहले डिसाइड करो, क्योंकि हैदराबाद में आपको ऑल इंडिया ओवर से आपको कहीं से भी जा सकते हो, कई लोग तो वहाँ बाहर से विदेश से भी आते हैं इलाज कराने। बेसिकली मैं AIG हॉस्पिटल में इलाज कराया हूँ और हमारे एक फ्रेंड है जो कि यशोदा में जाके इलाज कराए हैं, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, डॉक्टर से कनेक्टिविटी, वहाँ के स्टाफ से कनेक्टिविटी, वहाँ का मतलब एक तरह से देखा जाए तो इतने बड़े लेवल पे। आप लोग को एक चीज़ मैं बताऊँगा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रेलवे पर टिकट काटते हुए फिर डॉक्टर के पास जाएँ, कई ऐसे जगह पर आप जाते हो उनसे बात करने तो थोड़ा सा चिड़चिड़े टाइप के लोग होते हैं, आप लोग सोचते हो यार इतना बड़ा आदमी है ऐसा चिड़चिड़ा, छोटे मोटे लोगों को वैल्यू नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है।
जो बड़े लेवल पे जो लोग पहुंचते हैं उनके पास इतनी ज्यादा लोड होती है, इतना ज्यादा लोड होता है, सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है और डेली का उनका एक ही काम होता है। ऐसे सिचुएशन में आपको लगता है कि वो यहाँ पे है, वो वहीं पे पड़े पड़े उनका मतलब पूरा ब्रेन वो हो जाता है इसके चक्कर में। अब हर किसी को एक ही चीज़ बता बता कि उनका पूरा माइंड हो जाता है। तो अगर आपसे ऐसा सिचुएशन आए तो आपको गलत नहीं समझना है, आपको कोऑपरेट करना है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा अपने आप को नॉर्मल बनाना इंसान के लिए बस की बात नहीं है, हर किसी की बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान को अपने आप को कंट्रोल करके और एनी टाइम एकदम कूल माइंड में रहना, हर चीज़ को टेंशन को लेके भी। तो इसलिए हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझना चाहिए आपको भी कहीं भी अगर आप जा रहे हो इलाज कराने तो, अच्छा है कहीं भी किसी भी सिचुएशन में जा रहे हो तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वहाँ डॉक्टर, लेकिन एक चीज़ है AIG या फिर वहाँ के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है अपोलो या फिर वहाँ यशोदा वगैरह में, वहाँ पे डॉक्टरों को और वहाँ जितने भी बाहर से डॉक्टर हायर होते हैं जो उनका मैनेजमेंट है वो उनको बाकायदा इसी की ट्रेनिंग देता है कि आप लोग को कभी भी पेशेंट से और चाहे उनके जितने भी स्टाफ हैं बहुत ही कोऑपरेटिवली बात करना, चाहे कितना भी टेंशन में रहे उनको एकदम सेटिस्फेक्शन देना है। और यही होता है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, खुद जाते हैं इलाज कराने, बहुत अच्छा लगता है उनको वहाँ का व्यवस्था, 10 लोग और भेजते हैं कि भाई ये यहाँ चले जाओ, बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जाने का क्या सुविधा होता है। सबसे पहली बात तो ये कि हैदराबाद जो है वो सिकंदराबाद हैदराबाद में कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो एक दोनों हालांकि अलग अलग है बस एक ही पास है और ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, आप लोग उसका टेंशन नहीं लेना। अगर सिकंदराबाद हो चाहे हैदराबाद हो, कहीं भी आपका जो भी सुविधा है या तो फ्लाइट से आप आइए। और ऐसा नहीं इंडिया से नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं, मतलब विदेशों से भी आते हैं, बांग्लादेश वगैरह से भी लोग आते हैं, म्यांमार वगैरह से, तो वहाँ से भी लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए कई लोग आते हैं हैदराबाद में। और देखा जाए तो दुबई जैसा है हैदराबाद सिटी, बहुत बड़ा लेवल पर डेवलप किया है। तो आप लोग को देखना है, अगर फ्लाइट से आना चाहते हो तो फ्लाइट से आ जाओ एयरपोर्ट पे हैदराबाद के, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो सिकंदराबाद या फिर हैदराबाद, दोनों में से जहाँ का भी आपको टिकट मिल रहा है आपका ट्रेन अवेलेबल है आप आगे उतर जाओ, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेशन है, हैदराबाद का स्टेशन अलग है, सिकंदराबाद का अलग है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही पास है। तो सिकंदराबाद में चाहे हैदराबाद उतरो और वहाँ से ऑटो पकड़ के आपको जिस हॉस्पिटल में जाना है, यशोदा में जाना है यशोदा के लिए बोलो, जिसके लिए भी जाना है वहाँ जाके आप बोल सकते हो कि इस हॉस्पिटल में जाना है। ऑटो वाला आपको बोलेगा पोज एरिया है, वहाँ रूम नहीं मिलेगा, आपको रूम दिला देते हैं, ये है वो है, तो आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको बोलना है बस आप हॉस्पिटल छोड़ दो और पैसा आप वहाँ से पहले एक दो जगह से पूछो, क्योंकि देखो ऑटो वाले बड़े लेवल पे हर जगह का वही हाल है। तो उसके बाद आपको जब ऑटो वाले से डिस्कस कर लो, और अब जैसे मान लो कि आपको AIG हॉस्पिटल जाना है इतना इतना चार्ज, बस अब वहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं कि चलो थोड़ा वहाँ छोड़ दो वहाँ छोड़ दो, तुरंत चार्ज बढ़ा देंगे, मौका मिल जाएगा उनको, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद आप अपने हॉस्पिटल में उतरो, रूम बुक पहले नहीं करना है, हर हॉस्पिटल के आसपास रूम मिल जाता है, वो लोग भले बोले कि आसपास पोज एरिया है रूम नहीं मिलेगा, खासतौर पर AIG हॉस्पिटल के पास ज़्यादा बोलते हैं लोग, क्योंकि वो थोड़ा सा हैदराबाद से सीधा मतलब बाहर निकलना पड़ता है, बाहर नहीं है मतलब हाईटेक सिटी में चले जाते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ जाना पड़ता है, बाकी पूरा हैदराबादी पूरा एकदम घनी आबादी वाला एरिया है, तो आप लोग जाके वहाँ उतर जाना है, उतरने के बाद से डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाना है पहले। और पहली सबसे बड़ी बात आपको हड़बड़ी नहीं करना है कि जल्दी 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 भी सारा काम कर लें, आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, किसी वकील के पास जा रहे हो या फिर स्टेशन में बैठे हो, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने का कुछ नहीं होने वाला है, बेस एकदम अपने आप को क्या होता है, एक बोलते हैं ना पेशेंस रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पेशेंस रहोगे तो सबसे बेस्ट रहोगे आप, वही हड़बड़ी करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला बल्कि नुकसान ही होगा। तो पेशेंस रख के आप आराम से जाओ हॉस्पिटल में, पहले आप पूरा ट्रीटमेंट के लिए आप पहले जाकर डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर को आप पहले आपका एक फाइल बनता है पहले नंबर पे, AIG की बात करो हर जगह वही प्रोसेस है, फाइल बनेगी आपका ऑनलाइन सारा रजिस्टर्ड होगा, फिर आपको भेजा जाएगा अवेलेबल काउंटर पर, वहाँ जाओगे तो आपको सब डिटेल भर करके उसके बाद आपको बोला जाएगा इस डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट है, सब सेट कर दिया जाएगा, आपको पहले से फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि नहीं ले पाए तो ऐसा है लाइन में लगना पड़ेगा, वहाँ की प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि थोड़ी देर के लाइन में ही आपका नंबर आ जाता है और बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। और ऐसा नहीं है डॉक्टर बहुत हड़बड़ी से काम करते हैं, वहाँ के डॉक्टरों में एक खासियत है, आप जितना देर लग जाए आप आराम से प्रॉब्लम बताओ, लोग आराम से सुनेंगे और आराम से आपका हर तकलीफ को हल करने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि उनके द्वारा बताए गए हर काम को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। दूसरा चीज़ जब आप वहाँ पे कर लोगे उसके बाद आपका BP वगैरह वजन वगैरह सारा चीज़ एक्सटर्नली जो भी चेक होता है चेक करेंगे, वो सब लिख देंगे उस पर, फिर डॉक्टर के पास आप जाओगे वो देखेगा आपका सब हेल्थ के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से क्या है, आपका वेट वगैरह सब सही है, फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, फिर उसके बाद जाँच लिखेंगे, फिर आपको जाँच कराना है, फिर डॉक्टर को दिखाना है, फिर दवा देंगे। सबसे बड़ी बात ऑपरेशन का होता है कि कई लोग सोचते हैं बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे सीधा पैसा कमाने के लिए ऑपरेशन करने लगते हैं, मैंने AIG में चीज़ गौर किया है चाहे यशोदा में भी, ऐसा नहीं है वहाँ कि आपको अगर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है फिर भी पैसा कमाने के लिए ज़बरदस्ती आपको ऑपरेशन कर दें, बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसा जांच का लगता है, और अगर ऐसा क्रिटिकल कंडीशन के ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑपरेशन का लगता है।
ये चीज़ मैंने वहाँ गौर किया है। मैं AIG में गया था, मुझे ऐसा लगा क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर पहले दवा से ठीक करने की कोशिश करते हैं और 100% दवा से ठीक हो भी जाता है, प्रॉब्लम नहीं होने के बाद ही वो लोग इस तरह का कंडीशन फॉलो करते हैं। तो अगर आप जाते हो इलाज कराने तो आप ये पूरा कंप्लीट करा लो, देन इसके बाद आपका एक दिन में तो काम नहीं होगा। और प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कई बार क्या होता है, एक दिन में काम नहीं हो पाता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, मिलोगे, कई सारा जाँच ऐसा होता है कि एक दिन में नहीं हो पाता है, उसमें एक दो दिन लग जाता है। तो एक दो दिन शाम तक आप पूरा कंप्लीट करा के शाम को जाकर रूम, क्योंकि वहाँ घंटे के हिसाब से रूम मिलता है, मतलब आज शाम को लिए तो अगले शाम तक आपका हो गया पैसा। उसके बाद एक घंटा भी रुकोगे तो फिर दूसरे दिन का पैसा पूरा जुड़ जाएगा। तो आप दिन भर तो आप हॉस्पिटल में रहोगे, तो आप रूम लेके करोगे क्या? एक दिन आप लोगों को रूम शाम को लेना है जब आप हॉस्पिटल से बाहर निकलोगे और हर हॉस्पिटल के आसपास पता करोगे, आपको रूम मिल जाएगा। वहाँ किसी से भी पूछोगे तो पहले ही बताएगा, वहाँ लेके जाऊँगा मैं तो चार्ज लगेगा, ऐसा है, तो कमीशन जुड़ जाता है। आप डायरेक्ट जाकर खुद पता करो, बस इतना पूछो भाई यहाँ आसपास कहीं होटल वगैरह है, मैंने पूछा था तो डायरेक्ट एक जन बोल रहा है स्टाफ की मैं बताऊंगा लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। बोला ठीक है भाई रहने दे, मैं पता कर लूँगा। आसपास के मार्केट में घूमूंगा आपको खुद दिख जाएगा लॉज, ऐसा लिखा रहता है होटल, सब लिखा रहता है बोर्ड, पढ़ लो जाकर पता करो, दो तीन जगह पता करो। AIG के ठीक पीछे हॉस्पिटल के ही पूरा भरा पड़ा है मार्केट, एक गली है उसमें पूरा रोडी में पूरा रूम रूम है। आप पता करो किसके पास आपका अफोर्डेबल आपके हिसाब से रूम मिलता है, एक दो जगह तीन जगह पता करो, फिर आप आराम से वहाँ जाके स्टे करो और जितने दिन में इलाज होता है उतने दिन तक रूम बुक करके रखो। उसके बाद अपना खाली करके जब कंप्लीट हो जाए तो वापस घूम के एक दिन घूमने के लिए भी अपना टाइम निकालो और हैदराबाद घूम के मेन मेन वहाँ का जो रामोजी फिल्म सिटी वगैरह है घूम के आ सकते हो। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस ट्रीटमेंट का। बाकी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको अदर कोई क्वेरी है, तो कोशिश करूंगा मैं आपको हर क्वेरी को हल करने का। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।